नमस्कार अनादि टीवी के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में स्वागत है आज खास मुलाकात करेंगे बेरासिया से विधायक बीजेपी के विष्णु खत्री जी से बहुत स्वागत है विष्णु जी आपका अनादि टीवी में जी धन्यवाद नमस्कार चुनावी साल है जी क्या चुनौतियां क्षेत्र में चुनौतियां तो पहले थी अब कोई चुनौती नहीं है क्योंकि हमने और हमारी सरकार ने चाहे केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो प्रदेश की शिवराज जी की सरकार हो हमने दस वर्ष में अनेक ऐसे काम किए हैं चाहे वो अधोसंरचना के क्षेत्र में हो, शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो, रोजगार को लेकर हो, महिला सशक्तिकरण को लेकर हो, बहुत काम हुआ है और इसलिए हम उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री केवल घोषणा करते हैं विकास कहीं धरती में दिखता नहीं है देखिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना लेकिन पंद्रह महीने की इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार को भी लोगों ने देखा है और लगातार शिवराज जी की सरकार को लोग देख रहे हैं हर क्षेत्र में काम हो रहा है अभी बेरसिया में ही चौदह फरवरी को हमने एक और जगदीशपुर गौरव दिवस मनाया था और दूसरी ओर हमने बेरसिया के अंदर एक औद्योगिक क्षेत्र का भूमि पूजन किया था तो ये सब हम तब कर पा रहे हैं ना कि कुछ हो रहा है और काम लगातार हो रहे हैं केवल घोषणाएं ही नहीं अमली जामा भी उन्हें पहनाया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र आपका बड़ा सारा विधानसभा में और कांग्रेस ने पिछली बार भी कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे इस बार भी वो कह रहे हैं कि सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे तो क्या कांग्रेस की इस घोषणा का आपके क्षेत्र में कोई असर होगा या पिछली बार कुछ किसानों के कर्जे माफ़ हुए तो आपके क्षेत्र में देखिए जहाँ तक घोषणाओं का असर की बात है तो जनता ने उन्हें देख लिया है और पिछली बार भी वो ये कहकर उनकी सरकार बनी थी कि हम किसान का दो लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे बेरोजगारी भत्ता देंगे कन्यादान की राशि बढ़ाएंगे अनेक वादे उन्होंने किए थे लेकिन एक भी किसान का बेरसिया विधानसभा में एक दो लाख रुपए का कर्जा माफ़ नहीं हुआ और इसलिए और पिछली बार भी बेरसिया की कि जनता किसी प्रकार के उनके बहकावे में या झूठी घोषणाओं में नहीं आई थी और इस बार भी किसी प्रकार का वो कहें अब लोगों का उन पर विश्वास नहीं है वो विश्वास खो चुके हैं कारण क्या है कि जनता आप पर भरोसा करे क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो पिछला चुनाव होता बहुत नजदीकी मामले हुए तो और आप कह रहे थे उन पर भरोसा क्यों करें देखिए मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए खुद बेरसिया के अंदर जब प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह जी आए थे और वहाँ पर जो प्रमाण पत्र बटे थे किसानों के उनमें कई विचारे किसान डिफाल्टर हो गए झूठे प्रमाण पत्र बांट दिए गए और झूठे वादे किए गए और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है ये जांचा परखा खरा सोना है और लगातार जनता देख रही है हम काम कर रहे हैं चाहे केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गाँव की दशा और दिशा बदल दी स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से गांव आज स्वच्छ रहने लगे हैं घर घर शौचालय बने हैं प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से जो है गरीबों के घर गर का सपना साकार हुआ है उज्ज्वला के माध्यम से माताओं बहनों के घर में जो है उन्हें धुएं से निजात मिली है अभी जल जीवन मिशन के माध्यम से जो घर घर नल ये पहले केवल शहरों में ये चीज़ें होती थी आज गांव तक जो है इसके माध्यम से आप देखिए नल पहुंच रहा है घर घर गंगा मैया घर घर पहुंच रही हैं आज शिवराज जी की अनेक जनहितेशी योजनाओं का लाभ अब लाडली बहना का जो उत्साह है बहनों के अंदर वो अभूतपूर्व है और चाहे लाडली लक्ष्मी तो थी अब लाडली बहना तो उसमें भी कांग्रेस कह रही है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो डेढ़ हजार रुपया देंगे महीने का अब उन्हें कहने में जाता क्या है वो तो पाँच हजार भी कह सकते हैं लेकिन जनता को मालूम है कि इनके वादे झूठे हैं और इसलिए किसी प्रकार के प्रलोभन में अब जनता आने वाली नहीं है आपके कई सारे जो साथ के लोग थे मंत्रिमंडल में स्थान पा चुके हैं दूसरी बार जब आप विधायक बने युवा चेहरा थे तो कहा गया था कि आपको मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा लेकिन अब कि नहीं कारण बस हो नहीं पाया और बाद में सिंधिया गुट के लोगों को एग्जिस्ट करना पड़ा कोई मन में टीस रही नहीं देखिए ये भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत दिया है मैं बी का दस वर्ष उपाध्यक्ष रहा अभी तक कोई नहीं रहा इतने समय दो बार मैं नगर निगम में, में पार्षद रहा हूँ तीसरी बार मैंने ही मना किया था टिकट से दो बार पार्टी ने मुझे विधायक का टिकट दिया इसलिए किसी प्रकार की कोई टीस नहीं है और परिस्थितियाँ रहती हैं सबको लेकर चलना पड़ता है और इसलिए जब पार्टी को लगेगा अवसर देगी दलितों पर अत्याचार की बहुत सारी बातें कांग्रेस करती है भोपाल के आसपास की हो मध्य प्रदेश की बात हो आप इस चीज़ को बेहतर बता पाएंगे कि कांग्रेस का शासनकाल भी हमने देखा है कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जो दलित एजेंडा आया था उसके बाद क्या स्थिति बनी थी क्योंकि वो क्षेत्र आपके क्षेत्र से भी लगा हुआ विधानसभा से और अब की जो मौजूदा परिस्थितियाँ हैं तो कांग्रेस के आरोपों के ऊपर कहाँ पाते हैं आप उनको देखिए जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है भारतीय जनता पार्टी और हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं आज देखिए प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो हम उसे अलग से बार बार हम पिन पॉइंट नहीं कहते कि हम ये दलितों के लिए हम ये कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं लेकिन आज देखिए आप केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या शिवराज जी की सरकार हो इनकी योजनाओं के मूल में गांव का गरीब है किसान है दलित है आज चाहे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन देखिए इसके अंदर कौन लोग जाते जाते हैं कमजोर वर्ग के लोग प्रधानमंत्री आवास किन को मिल रहा है कमजोर वर्ग के लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन किसको मिल रहा है कमजोर वर्ग के लोगों को आज लाडली बहना के जो फॉर्म भरा रहे हैं इस इसका लाभ सबसे ज़्यादा किसको मिलने वाला है कमजोर वर्ग के लोगों को जितनी जनहितैसी योजनाएं हैं सरकार की इन योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा गांव के गरीब किसान महिलाएं के साथ में सर्वाधिक लाभ पहुंच रहा है तो कमजोर वर्ग के लोगों को दलित वर्ग के लोगों को और हम जो काम कर रहे हैं हम बुनियादी काम कर रहे हैं और इसका हम ढिंडोरा नहीं पीटते क्योंकि ये जो है ये सरकार और मोदी जी ने कहा ही जब उन्होंने संसद में अपना भाषण दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है तो इसलिए अलग से किसी प्रकार का कोई वो करना बल्कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इस मंत्र के साथ में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही इसके बाद भी पार्टी को समरसता भोज का आयोजन करना पड़ रहा है उसके पीछे क्या कारण है फिर वो हमारे कार्यक्रम में है। तो समरसता भोज और इस प्रकार के आयोजन अलग अलग श्रेणी सा करना उसको कभी हम माताओं बहनों के सम्मेलन करते हैं कभी हम युवाओं के सम्मेलन करते हैं कभी हम पिछड़ा वर्ग मोर्चा हमारे पिछड़े वर्ग की संगोष्ठी करता है तो ये हमारे कार्यक्रम में और उसके अंतर्गत हम करते हैं एक समय था कि ज़्यादा वक्त नहीं हुआ कि जब बेरासिया जाने के अगर आदमी सोचता था तो उसकी पेशानी में पे बल आ जाते थे आज क्या स्थितियाँ आज देखिए बेरसिया में मैं हर अपने मंच से इस बात को कहता हूँ कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्वर्णिम चतुर्भुज की व्याख्या की थी कि पोरबंदर से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी बेसा बेरसिया के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज बन रहा है बेरसिया भोपाल से बेरसिया और बेरसिया से सरोंज और नज़ीराबाद से बेरसिया और बेरसिया से विदिशा शानदार हमारी सड़कें हैं अंदर अंदर आप बेरसिया रोड के समानांतर रोड डोबरा से जो बेरसिया जाता है वो समानांतर रोड बना है अनेक काम बेरसिया के अंदर ऐसे हुए हैं जो वास्तव में जो है शुरुआत में हमें चुनौती लगते थे और आज वो आ, हमें आज सफलतापूर्वक वो हुए हैं आप भी एक तरह से कहा जाए तो राजधानी के विधायक हैं क्योंकि भोपाल जिले में आते हैं बावजूद उसके उतनी चर्चा क्यों नहीं मिल पाती कि लो प्रोफाइल इसकी वजह है या कोई और कारण मानते हैं इसका मूल कारण चूँकि हमारा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है और कई बार ग्रामीण क्षेत्र में दूरी अधिक होने के कारण मीडिया कवरेज का और बहुत सारा विषय सहज में नहीं हो पाता है वो भी एक तो उसका पीछे का कारण हो सकता है बाकी जो है स्थानीय स्तर पे जो भी हमारे मीडिया के बंधु हैं उसको प्रमुखता से उन सब चीज़ों को देते हैं साँच को आँच नहीं होती है पिछले चुनाव में हमने देखा था एट्रोसिटी एक्ट के कारण जो स्थितियाँ बनी थी ग्वालियर चंबल में जिसके कारण पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ा था इस बार मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सागर में संत रविदास जी का एक भव्य मंदिर बनेगा जिसके लिए एक मुठ्ठी चावल और थोड़ी चंदा भी इकट्ठा किया जाएगा तो ये सारे सरोकार क्या केवल चुनावी दृष्टि से किए जा रहे हैं या वाकई में जो आपने कहा या प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास उस दिशा में एक कदम है और क्यों बार बार हर एक वर्ग को साधने के लिए चुनाव में स्पेशल तैयारी करना पड़ती क्योंकि अगर सबको आपने का उज्ज्वला कनेक्शन मिल रहे हैं सबको नल जल मिल रहा है आवास मिल रहे हैं तो इसके बाद भी हर एक वर्ग के लिए अलग अलग साधने के अतिरिक्त जतन क्यों करना पड़ रहा है ये सब इसलिए किया जाता है कि कोई छूटे ना और कोई रूठे ना कई बार ऐसा होता है कि योजनाओं का लाभ में कई कोई तबका जैसे अभी एक हमने अभियान लिया विकास यात्राएं निकाली इसके पहले भी अभियान चले मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान कि हम सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई लेकिन इन योजनाओं का कि यदि कोई पात्र हितग्राही कोई छूट रहा है तो उस तक हम कोई कैसे पहुंचे तो उसके लिए एक अभियान लिया और उन पात्र हितग्राहियों को चिन्हित किया घर घर जाकर चिन्हित किया वैसे ही ये इस प्रकार के आयोजनों के पीछे की ही यही होती है कि कोई वर्ग यदि छूट रहा है किसी प्रकार के विकास की इस यात्रा में तो उस वर्ग को तक सरकार पहुँचे और उनको उस योजनाओं का उनको लाभ मिले यहाँ तक आपने ये संत रविदास जी के भव्य मंदिर निर्माण के विषय में की बात कही या डॉ बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थ की बात कही भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से इसको बहुत हमने उसको हमने श्रद्धा से किया है हमने केवल नारे नहीं लगाए कांग्रेस हमेशा से दलितों का गरीबों के, के लिए नारे तो लगाती रही लेकिन उसके लिए बुनियादी काम नहीं किया मऊ में सब जानते हैं कि बाबा साहब का जन्म हुआ जब वहाँ पर उस स्थान पर स्मारक बनाने का काम पहली बार यदि किसी ने किया तो बानवे में जब नब्बे से बानवे के बीच में पटवा की जब सरकार थी इस प्रदेश में उसके अंदर काम हुआ वहाँ पर जो है जितने बाबा साहब से जुड़े हुए स्थान हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ने संवारने का काम किया चाहे वो आ, 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 अपना उनका दीक्षा भूमि हो नागपुर या निर्वाण भूमि दादर हो या मुंबई तो मुंबई अंदर नागपुर का दीक्षा भूमि जितने भी उनसे जुड़े दिल्ली का जो है चौबीस अकबरपुर रोड उस पे वहां पर वहाँ पर स्मारक बनाने का विषय हो यहाँ जहाँ भी उनसे बाबा साहब से जुड़े हुए जो स्थान थे उनको एक उनकी यादों को सजोने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया कांग्रेस ने तो जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो उनके खिलाफ कैंडिडेट लड़ाया उपचुनाव के अंदर तक उनको कोशिश की कि ये संसद में नहीं पहुंच पाए तो ये कांग्रेस और भाजपा का देखने का और काम करने का जो तरीका है वो अपना अलग है बाबा साहब ने संविधान के साथ साथ एक बड़े अर्थशास्त्री भी रहे हैं वो जी और जो आपने कहा कि कांग्रेस ने उनका योगदान विसरा दिया जो बीजेपी भी आरोप लगाती रही है तो उनके जो बाकी के जो पहलू हैं कि एक स्मारक बनाने से काम चल जाएगा कि किया जो उनके बहुआयु में व्यक्तित्व के कुछ और पहलू थे वो जनता के सामने लाना जरूरी है उसके लिए पार्टी कोई प्रयास करेगी आप फोरम पे मांग करेंगे देखिए हम लगातार देखिए संगोष्ठियाँ करके बाबा साहब के ए, ये जो अभी जैसा मैंने कहा कि हम बूथ पे आयोजन कर रहे हैं तो हम बूथ पे आयोजन में केवल हम चित्र पे पुष्पांजलि तो हम करेंगे ही उनमें हम उनका स्मरण तो हम करेंगे लेकिन साथ में हम बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं जो इस देश बाबा साहब अम्बेडकर के कोई एक सीमित उनके जो जैसा आपने कहा बाबा साहब केवल दलित वर्ग के नेता नहीं थे बहुत अच्छे अर्धशास्त्री कई मामलों में चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो धारा 370 को लेकर हो अन्य जो है अल्पसंख्यकों को ए, के विषय में कई मामलों में उनके जो स्पष्ट जो आ, हर चीज़ पे विचार जो थे वो बड़े स्पष्ट विचार के नेता थे और कांग्रेस इन सबसे डरती थी और इसलिए कांग्रेस ने प्रयत्न किया कि बाबा साहब संसद में नहीं पहुंच पाँच उनका और भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों को लेकर समय समय पर उनके विचारों को जनता जन जन तक, तक पहुँचे इसके लिए ये हम लोग लगातार अभियान चलाते प्रयत्न करते संघ परिवार से भी आप जुड़े हैं जब संघ को ले छोटे छोटे मामलों में सब संघ पर हमला होता है उसको कैसे देखते हैं देखिए एक सबसे बड़ा तो जो अभी इस समय जो कांग्रेस कर रही है ये उनकी दुर्बुद्धि कहें हम कि वीर विनायक दामोदर सावरकर जैसे क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को लेकर जो कांग्रेस के पूर्व सांसद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जो बार बार देते हैं कि मैं सावरकर हूं जो माफ़ी मांग लूँगा वो सावरकर जैसा बनना सबके बस की बात नहीं है और विशेष रूप से किसी गांधी राहुल गांधी जैसे लोगों का एक जीवन में दो आजन्म कारावास जिस व्यक्ति को दिए गए उसका नाम है वीर विनायक दामोदर सावरकर और उनका वो के, मतलब जो मैं मैं सिल्लुलर जेल गया हूँ मैंने देखा है उस स्थान को कि किस प्रकार की यातना क्रांतिकारियों को दी जाती थी ये वा, 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 उस प्रकार का नहीं कि जो है पेपर भी आ रहे हैं जेल में और अर्दली भी रह, मिल रहे हैं ऐसी ऐसी जेल नहीं थी वो काला पानी की वहाँ पर जो है वीर दा विनायक दामोदर सावरकर को अंग्रेज सरकार ने दो जन्म काराबारी की सजा दी थी और ऐसे वीर विनायक दामोदर सावरकर की को अपमानित करना ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व का अपमान है क्योंकि वीर विनायक दामोदर सावरकर उस व्यक्तित्व का नाम है जिसने हिंदुत्व आ, की लिए जो है और प्रगतिशील विचारक थे उन्होंने कहा था कि इस समाज को बेटी बंदी रोटीबंदी वेदोक्त बंदी, बंदी सिंधु बंदी, ये सब छोड़ कर छोड़ना चाहिए और समाज को संगठित होना चाहिए ऐसे स्पष्ट और क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्तित्व थे वीरविनायक दामोदर सावरकर अटल जी ने कि एक उसमें उन्होंने कहा सावरकर के विषय में उन्होंने जो जिस प्रकार का उन्होंने वर्णन किया वो वास्तव में अद्वितीय आज की परिस्थितियों में जो कांग्रेस के नेता कहते थे कि जो संपदा है देश के संसाधन है उन पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है लेकिन आज पीसीसी भगवा रंग में लगी हुई है एक नया वो पुजारी और मंदिरों के लिए एक नया मोर्चा बना रहे हैं प्रकोष्ठ बना रही है कांग्रेस वो मांग कर रही है कि मठ मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त किया जाए तो केवल ये चुनावी राजनीति है या वाकई में हाल के वर्षों में जो राजनीतिक बदलाव आया है तो कांग्रेस को मजबूरन इसके लिए विवश होना पड़ रहा है कि वो भी हिंदुत्व की राह पर चले जैसा आपने कहा है कि कांग्रेस को मजबूरन विवश होना पड़ रहा है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को मजबूर कर दिया है कि वे राष्ट्रवादी और इस पर हिंदुत्व से जुड़े हुए विषयों पर भी विचार करे क्योंकि आप देख रहे हैं ये वही कांग्रेस है कि जब यूपीए की सरकार थी और सेतु समुद्रम परियोजना में जब राम सेतु को तोड़कर वहाँ से जहाज निकालने की प्लानिंग जब इन्होंने की थी टी आर बालू उस मंत्रालय के मंत्री, मंत्री थे।, थे और उस समय इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था तो उसमें कहा मैं कहा था कि राम रावण युद्ध जो है इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकारा था और आज वो ये सब कर रहे हैं तो ये उनकी मजबूरी है लोग तो उन्हें लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कारण जो है इस देश के अंदर एक प्रकार का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अभ्युदय हुआ है और इसके अंदर यदि हमने इन सब विषयों को छोड़ दिया या इनके विपरीत हम बने रहे तो हमें आगे राजनीति करना कठिन होगा और इसके लिए जो है वो, वो आ, ये सारे विषयों के लिए ढोंग कर रहे हैं जनेऊ ऊपर कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनना त्रिकुंड लगाना और ये सब ये दिखावा है कुछ नहीं है क्योंकि कांग्रेस जो है हमेशा से उसका एक अपनी प्रकार कांग्रेस एक विदेशियों के द्वारा निर्मित विदेशी सोच की पार्टी है यही इसे भारतीय संस्कृति परंपराओं इससे किसी प्रकार का कोई सरोकार उसको नहीं है दिग्विजय सिंह कहते हैं कि जब मैं जाऊंगा जनता बीच तो मुझे देखकर लोग वोट नहीं देते उन्हीं दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने कमान सौंप रखी है कि वो नाराज लोगों को भी समन्वय करना है तो उसका कोई असर देखेंगे वो तो नाराज लोगों को विशेष रूप से, से अल्पसंख्यक जो उनसे नाराज़ हो रहे हैं तो उनको उसके लिए उन्हें दिया है उन्होंने क्या भाई दिग्विजय सिंह जाएंगे तो उनके कारण जो है अल्पसंख्यक वर्ग के अंदर उनका वोट बैंक बराबर बना रहेगा यही सब कारण रहे उनके महाकाल कॉरिडोर की बात होती है तो कांग्रेस उसका क्रेडिट लेने लगती है हम देखते हैं कि जब रामवन पथगवन की बात होती है तो कांग्रेस क्रेडिट लेने लगती है आज देखिए जैसा ये सब महाकाल ने परिवर्तन का क्रम फिर से दोहराया है ये क्रम दोहराया है महाकाल ने और उसके कारण ये परिवर्तन हो रहा है, है राजनीतिक दलों के अंदर विशेष रूप से कांग्रेस और अन्य दलों में नहीं तो ये सब अनटचेबल थे इस देश में राम की बात करना हिंदुत्व की बात करना सांस्कृतिक गो गो माता की बात करना ये सारे विषय बड़े इससे लगता था लोगों को कि हमारे आ, जो है हमारा वोट बैंक हमसे नाराज हो जाएगा आज आप काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर कांग्रेस और अन्य जो राजनीतिक दल बना सकते थे क्या बाबा विश्वनाथ की नगरी के अंदर जो आज जो डेवलपमेंट हो रहा है ये संभव ही नहीं राम जन्मभूमि पर 500 साल बाद आज जो भव्य मंदिर निर्माण का जो मार्ग प्रशस्त हुआ ये ये राजनीतिक दलों के माध्यम से संभव था क्या धारा 370 इस देश के अंदर यदि कश्मीर से हटी है तो ये संभव थी क्या ये सब बहुत कठिन था और इसीलिए तो वो कहते थे कांग्रेस की दम के कारण के, के जो है ये हटा ही नहीं सकते कसे तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा तो ये सब जो दम्ब भरते थे लोग वो कांग्रेस की दम के कारण ही भरते थे तो जो लोग ये कह रहे थे वो तो हम देखते हैं उनकी तस्वीरें आती है कि वो शिव मंदिर में जल चढ़ाते नजर आते हैं ये सब ये सब होगा भजन भी करते हुए फारूक अब्दुल्ला आपको दिख जाएंगे ले ये सब ताकत के कारण हो रहा भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में जो चुनाव होना अगला वो क्या जातियों के आधार पर लड़ा जाएगा विकास के आधार पर हिंदुत्व के आधार पर ये जो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ेगी वो उसके इस मंत्र के साथ ही लड़ेगी सबका सांस सबका विकास सबका प्रयास और ये जो हमने जो विकास के काम किए हैं गाँव गरीब किसान महिलाएं बुजुर्ग नौजवान हर वर्ग के जीवन में खुशहाली आए उसका जीवन सुखमय हो और कोरोना जैसे काल के अंदर जो इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के अंदर शिवराज जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं सफलतापूर्वक जो है जान भी बचाई है और जान भी बचाने का जो काम हुआ है उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है एक आरोप लगता है कि जो आयातित नेता हैं या कार्यकर्ता हैं या सिंधिया गुट के जो लोग आए हैं तो जो मूल केडर है जो मूल कार्यकर्ता उसकी अपेक्षा होती है आप पार्टी के खाटी कार्यकर्ता रहे हैं बोले छोटे जीव से आपने यात्रा शुरू की राजनीतिक और इतना लंबा सफर तय किया तो क्या इन आरोपों में आपको दम दिखता है नहीं देखिए परिवार आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये लगातार इसका कार्य विस्तार होगा और इसके अंदर जो है लोग आएंगे और इसलिए किसी प्रकार के कार्यकर्ता को छोटे मन से आ, नहीं चलना चाहिए और न कार्यकर्ता चल रहा है ना नेता चल रहा है जो अटल जी ने भी कहा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता निश्चित रूप से और हमारा तो मूल मंत्र है कि आज का विरोधी आने वाले कल का हमारा हमारी विचारधारा का व्यक्ति है और इसलिए ऐसा मानकर हमें उसके साथ में व्यवहार करना है बहुत धन्यवाद विष्णु जी हमारे साथ बात करने के लिए तो खास मुलाकात में आज इतना ही अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए अनादिटी नमस्कार Thank <laughs> you.